नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधी दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली के लिए सबसे बेहद और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां, इस खबर को अंत तक जरूर सुनिएगा। आप सभी को पता है कि दिल्ली में साथियों G20 की लगातार बैठक की जा रही है। जी हां दोस्तों, अब बड़ी खबर आ रही है कि G20 समिट में आज से शुरुआत हो रही है। इस मेजबान के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 समूह के कई देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ चुके हैं, ऐसे में नई दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है दिल्ली में। अभी की बड़ी खबर आ रही है सीधी साथियों सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही VVIP मूवमेंट के दौरान भी कुछ निजी चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगेगा और थोड़े समय के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ से आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार किस रूट के जरिए आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मेट्रो सेवा पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। ऐसे में आप मेट्रो के जरिए भी रेलवे स्टेशन जा या वहां आ सकते हैं। दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली से साथियों बता दें कि सड़क मार्ग के जरिए कैसे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। साथियों बता दें कि दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए धोलाकुआ रिंग रोड, नारायण फ्लाईओवर, मियापुरी चौक, कीर्ति नगर मेन रोड, सादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड से आने वाले लोग पूसा रोड, दयाल चौक, पंच कुया राउड और आउटर सर्कल, करनोट प्लेस महाडगंज की ओर से चेम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर से मिंटो रोड, भवभूति मार्ग ले। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर दिल्ली से।